अगली बात क्या कहता है, ब्रह्म का अर्थ होता है शक्ति, ब्रह्म का तीसरा अर्थ क्या है, शक्ति, और चर्य का अर्थ होता है संपन्नता या फिर या उसे रक्षित करना, शक्ति को रक्षित करना, शक्ति को सुरक्षित रखना, शक्ति से संपन्न हो जाना। जो व्यक्ति शक्तिहीन है ऐसा शिक्षक दूसरों को शिक्षा दे सकेगा, बोलो? जिसके शरीर में शक्ति नहीं है उसकी वाणी में भी शक्ति नहीं हो सकती, याद रखना, उसके चेहरे पर भी शक्ति नहीं झलकेगी। इसलिए याद रखना कि शिक्षक वो है कि वो चुपचाप भी बैठा हो तब भी उसका असर पड़े। शिक्षक कौन है, जो चुपचाप बैठा हो लेकिन देखने वाले पर उसका, बोलो, असर हो, उसके चेहरे में वो तेज होना चाहिए, शक्ति संपन्न होना चाहिए। ब्रह्मचर्य आचार्य ब्रह्मचार्य शक्ति संपन्न, कौन सा गुरु रह गया आज शक्ति संपन्न, मुझे बताओ तो सही। शिष्य और गुरु का जो संबंध होना चाहिए वो आज समाप्त है। आज रोज अखबारों में पढ़ते होगे, रोज नेट पर देखते होगे कि फला शिष्या थी, पढ़ने जाती थी लड़की, और गुरु का उसका आपस में संबंध हो गया। ये तो पिता और पुत्री जैसा भाव है, पिता और पुत्री जैसा भाव है। इसलिए याद रखना कि मूल में जो शिक्षक है उसमें बिगाड़ आ रहा है। अगली बात क्या कहते हैं, ब्रह्म माने होता है वेद, ब्रह्म माने क्या होता है, वेद, और वेद और चर्य माने ना ना अध्ययन, चर्य के माने क्या होता है, अध्ययन, वेद का अध्ययन करना, सतत वेद को पढ़ना। ये तो मनु महाराज भी कहते हैं कि सतत वेद को पढ़ना चाहिए, चाहे मैं कितना भी बड़ा विद्वान हो जाऊं एक दिन भी नागा किए बिना मुझे वेद पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। वेद का स्वाध्याय, इसलिए तो ऋषि लिखते हैं परम धर्म है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना क्या है, यही बात है। ब्रह्मचर्य आचार्यो ब्रह्मचारी, उसे वेद ज्ञान आना चाहिए। जो वेद ज्ञान से रहित है ऐसा व्यक्ति क्या शिक्षा देगा। जो उनसे शिक्षक हैं आज, पता है किसी को वेद ज्ञान का, यह भी नहीं पता, वेद चार होते हैं, पूछ के देखना। वेद ज्ञान से रहित व्यक्ति क्या शिक्षा देगा। इसलिए जब शिक्षक बिगड़ता है तो दुनिया सारी बिगड़ती चली जाती है, कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। मूल में शिक्षक है क्योंकि वो शिक्षा कर रहा है। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि खाली स्कूल का शिक्षक शिक्षक नहीं होता, माता भी शिक्षक होती है, वो भी इन गुणों से भरपूर होनी चाहिए। पिता भी शिक्षक होता है, वो भी इन गुणों से, बोलो, भरपूर होना चाहिए। आचार्यो ब्रह्मचारी, लेकिन इसके आगे जो शब्द है वो भी कमाल का है। वो कहता है आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति ही, बड़े कमाल की बात कही। वो कहता है प्रजापति का अर्थ होता है प्रजा का पालन करने वाला। अरे जो राजा है देश का वो भी ब्रह्मचारी होवे। मैं आचार्य कोई नहीं कह रहा हूं, आचार्य कौन होता है, जो एमए की डिग्री कर ले वो आचार्य ना। बहुत सोने का शास्त्री किसके समकक्ष है, बीए के। आचार्य किसके समकक्ष है, एमए के। क्या ये डिग्री है? हाँ डिग्री है, उपाधि है, लेकिन कैसी है? आचारम गृहयति थी आचार्य, जो सदाचार को ग्रहण कर ले वो आचार्य। सदाचरण को ग्रहण करने वाला क्या होता है, बोलो, आचार्य होता है। और ऐसा व्यक्ति जो सदाचारी है, फिर कहते हैं आचार्य ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति, ऐसा ब्रह्मचारी जो इन गुणों से भरपूर हो वही राजा कहलाने के भी योग्य है, वही राजा बनने के भी योग्य है। यदि इन गुणों से रहित है राजा तो वो राजा नहीं हो सकता। ये गुण कौन देगा, बोलो भाई? जिसमें ये गुण होंगे वही तो गुण देगा। जब आचार्य में ये गुण नहीं है तो वो राजा बना देगा। चाणक्य में यदि गुण ना होते तो सिकंदर इसको, चंद्रगुप्त को पैदा कर देता, बोलो? नहीं कर सकता था। इसलिए ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त को और नंद का विनाश करने के लिए, एक राजा को धराशायी करने के लिए शिक्षक की क्षमता तो देखिए आप। राजा नहीं था वो, उसके साथ सेना नहीं थी, लेकिन क्या थी? उसका चरित्र था, उसका आचार था, उसका व्यवहार था, वेद पर विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था, शक्ति संपन्न था, क्या बात नहीं थी। साधक था, क्या कमी थी उसमें? चंद्रगुप्त को बनाया उसने, धराशायी कर दिया एक राजा को, जो ये कहा जाता था कि इसके सामने सब घुटने टेकते हैं। किसने किया ये काम? शिक्षक ने। शिक्षक ही राजा का निर्माता होता है। इसलिए बाद में रखा वेद ने, पहले कहा आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति। जो आचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी निर्मित होता है, निर्माण होकर के आगे चलता है, वही क्या बने? वो राजा बने। वो और वो राजा कैसा हो? कहते हैं राजा विराट, प्रजापति विराट,
वो अपने राज्य की सीमाओं को, अपने गुणों को बढ़ावे, विराट कर ले, ऐसा कर ले कि तमाम जनता उसका गुणानुवाद करे। कम दुनिया जो है, प्रजा जो है, उसको माने, स्वीकार करे कि ये राजा है, तो क्या कहेंगे उसे, विराट हो गया, वो फैलाव हो गया उसका, सूक्ष्मता नहीं रही उसमें, दूसरे देश भी उसकी प्रशंसा करें, दूसरे देश भी उसका सम्मान करें, तो क्या बनेगा, वो विराट हो जाएगा। विराट इंद्र अभवत वशी, शब्द को सुन लो, वो बाद का शब्द ले रहा हूं, वशी, राजा कैसे करेगा ये काम, बाद के शब्द में बता दिया उसने कि वो वशी होवे। वशी क्या मतलब है, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला होवे, तब वो विराटता को प्राप्त होगा। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, वो दूसरों को क्या वश में कर लेगा। एक व्यक्ति कहता है, बताओ भगवान मैं कैसे इस दुनिया को वश में करूं, हैं? गुरु कहते हैं, भैया अपने को वश में कर ले तो दुनिया तेरे वश में, बोलो, हो जाएगी। यदि तुझे अपना आपा तेरे वश में नहीं है तो दूसरों को वश में क्या करेगा। जो स्वयं शिक्षक आचरण से रहित है, सदाचार से रहित है, ऐसा शिक्षक दूसरों को सदाचार, बोलो, कैसे सिखाएगा। अरे महर्षि वशिष्ठ खड़े हैं, शांत मुद्रा में खड़े हैं, होठों पर थोड़ी मुस्कान है, लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि और राम को वनवास हो गया है, लोगों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, वशिष्ठ मुस्कुरा रहा है। मंत्री ने देखा, धीरे से पास में गए, ऋषि क्या आपको कष्ट नहीं है, ये सारी जनता रो रही है कि राम को वनवास हो गया और तुम मुस्कुरा रहे। उसने कहा, मैं मुस्कुराऊं भी नहीं। उसने कहा, ऐसी क्या बात है मुस्कुराने की, राजा राम वन को जा रहे हैं, सारी जनता चाहती है कि राजा बने और तुम मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा, मेरे मुस्कुराने के पीछे मेरी शिक्षा छिपी है, और मुझे जो आनंद आ रहा है आज, वह आनंद दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है। मंत्री पूछता है, कौन सा आनंद आ रहा है, वो कहते हैं, आज मेरी शिक्षा फलीभूत हो गई है, आज मेरी शिक्षा फलीभूत हो गई है। जो माने राम को शिक्षा दी थी, आज वो उसमें आत्मसात हो रही है, उसने अपने अंदर धारण कर ली है। अरे जब मैंने राम को राज्य अभिषेक का संवाद सुनाया, तब भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं झलकी, जो कहते था, आज वनवास सुना रहा हूं, आज भी इसके चेहरे पर दुख की कोई रेखा नहीं है। यही तो शिक्षा मैंने दी थी, समान भावना बना करके रखना, वही इसके अंदर आत्मसात हो रही है, ये मेरे सुख का कारण है। ये बनाता है आचार्य, ये बनाता है। आज ये दो आचार्य हमारे मध्य में, महात्मा हंसराज, गुरुदत्त विद्यार्थी, ये असल में दोनों आचार्य हैं। जीवन देखिएगा इनका, जीवन दर्शन पढ़िएगा महात्मा का, गुरुकुलों का खोलना एक तरीका था उस समय, लेकिन महात्मा हंसराज ने जो संस्था खड़ी की, डीएवी है जी, डीएवी के नाम से उस समय में, ये बहुत बड़ी सोच के तहत उन्होंने किया, बहुत बड़ी सोच। आज तो लोग सोच रहे हैं, आज सोचना शुरू किया, उन्होंने बहुत पहले सोचा था कि हम थोड़ा मिश्रण करें, यदि मिश्रित अवस्था में किसी चीज को हम दे सकते हैं तो इससे ज्यादा लाभ क्या होगा, लोग जुड़ेंगे। जुड़ाव हुआ, बड़ी भारी संख्या में एडमिशन हुए, लेकिन उससे पहले बड़ा तप करना पड़ा। क्या करना पड़ा? तप करना पड़ा। महात्मा हंसराज वैसे हंसराज नहीं बने, आज भी कहीं भी चले जाइए आप, आज इस समाज में महात्मा हंसराज के बिना हॉल अधूरा लगता है, हैं जी। डीएवी संस्थाओं से जो विद्वान निकले, डीएवी संस्था से जो देशभक्त निकले, उंगलियों पर नहीं गिने जाते, हो इतिहास भी मौन हो जाता है लिखते लिखते, इतने लोग डीएवी संस्थाओं ने हमें दिए। ये किसका कारण था? ये उस महात्मा हंसराज का तप था, ये उस महात्मा हंसराज का त्याग था। भाई ने कह दिया, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, और जब तक वो प्रधानाचार्य पद पर रहे, एक भी रुपया तनख्वाह का नहीं लिया। कितना बड़ा त्याग उस व्यक्ति का था। हमारे जीवन में है ये त्याग ना? हमारा जीवन त्याग से बाहर है, इसलिए व्यक्ति को शिक्षक होने से पहले इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पूर्व के शिक्षक कैसे थे। वो जब शिक्षा देने पर आते थे, कहते हैं गुरु मौन बैठा है, और गुरु के मौन बैठे बैठे भी शिष्य सामने बैठे हुए शिक्षा ले रहे हैं, उसके आचरण से शिक्षा ली जा रही है, उसके देख
गुरु कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे रहता है, कैसे सोता है, ये सारी एक्टिविटी चेला देखता है। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, मेरे ध्यान आई बात कि हमारे गुरुजी स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जिनके 8 गुरुकुल चल रहे हैं, आर्य समाज में सबसे ज़्यादा गुरुकुल उन्हीं के हैं अब, और सारे आर्स पद्धति पर हैं, कोई मिश्रित गुरुकुल नहीं है, आर्स पद्धति पर चलते हैं। और वो उस समय कटिवस्त्र में और चादर में रहा करते थे, एक चादर एक कटिवस्त्र उनके पास होता था। अच्छा, हम भी कई ब्रह्मचारी ऐसे थे कि हम पहले कुर्ता पहनते थे, लेकिन आचार्य की देखा देखी हमने भी एक चादर एक कटिवस्त्र, बाद में जब घर आए तब पहनना शुरू किया कुर्ता उर्ता, लेकिन आचार्य की देखा देखी शिष्य करता है, पिता की देखा देखी बेटा करता है, माँ की देखा देखी बेटी करती है। तो आचार्य को ऐसा होना चाहिए कि उसके आचरण से लोग सीखें, वो भले ही बोले ना बोले, उसके आचरण को देख करके हम अपने आचरण को सुधार लें, ये शिक्षक होता है। शिक्षक ये नहीं होता कि वहीं बीड़ी पीवे बैठ करके और बच्चों से मंगा ले, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, क्या शिक्षक है ना। मैंने सुना है बहुत ज्यादा, और मैं लोगों को कहता भी रहता हूं, आज का शिक्षक जब हम बात करने बैठते हैं उससे, तो एक ही शब्द कहता है, अजी मेरी पर्सनल नहीं हो सकती हमारी पर्सनल लाइफ। यदि हम पर्सनल लाइफ में जीने का प्रयास करेंगे तो फिर ना उपदेशक रहेंगे और ना शिक्षक रहेंगे। इसलिए शिक्षक की और उपदेशक की पर्सनल लाइफ नहीं होती है, उसका जीवन तो समाज के लिए होता है, समाज को वो जिंदगी देता है, इसलिए उसकी जिंदगी भी बोलो समाज के लिए ही होती है। इन दोनों का जो जीवन रहा, पर्सनल लाइफ थी कोई? पर्सनल लाइफ को तो इन्होंने दूसरों को सौंप दिया। देखो भैया, अपने लिए कुछ रखा ना? अरे कमाल का जुनून था, कितना जुनून इन लोगों के अंदर था। अभी बता रहे थे प्रताप जी कि आर्य समाज के 10 नियम, 5 आगे 5 पीछे, चौराहों पर खड़े हो जाते थे, प्रवचन करना प्रारंभ कर देते थे। हम तो उनकी खा रहे हैं, अपनी नहीं खा रहे हैं। उनका जो तप था, उनका जो त्याग था, आज वो समाज में बोल रहा है। आज समाज की नींव में वो पत्थर दबे हुए हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन पूरे समाज की नींव उनके ऊपर टिकी हुई है। ये वो पत्थर हैं महात्मा हंसराज और गुरुदत्त विद्यार्थी। गुरुदत्त विद्यार्थी संस्कार सत्यार्थ प्रकाश के विषय में आप लोगों से हमने पता है क्या कहा, मेरा तमाम जीवन सारी संपत्ति बिककर भी यदि सत्यार्थ प्रकाश का मूल्य लगता तो मैं लेता। और हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना नहीं चाहते, हम सत्यार्थ प्रकाश को सुनना नहीं चाहते। क्या चीज रही होगी? जो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हो, विज्ञान का विद्यार्थी, कई पुस्तकें अपने जीवन में लिखी, कई पुस्तकें लिखी, 26 वर्ष की आयु में कितना कुछ करके गया गुरुदत्त विद्यार्थी। ये क्या था जिसे स्वामी जी बोल रहे था, ए अग्नि बड़ी तेजी के साथ में आ, शायद सामवेद का मंत्र है, अग्नि बड़ी तेजी के साथ में आ। कितनी तेजी के साथ में आ कि तेरे सामने कोई ठहर ना सके, इतनी तेजी के साथ में आ। वो अग्नि क्या है? वो ऊर्जा ही तो है, वो शक्ति ही तो है, वो ज्ञान रूपी अग्नि है कि तू इतनी तेजी के साथ आ कि तेरे सामने कोई ठहरने वाला ना हो। और इनके पास वो अग्नि थी, बड़ी तेजी से आई, बड़ी तेजी से गई, और कोई दुनिया का व्यक्ति इनके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर सका। ये वही तो अग्नि थी। गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को देखें आप, छोटा बच्चा 26 वर्ष की अवस्था में चला गया दुनिया से, कितना कुछ देकर के गया समाज को। कई पुस्तकें तो हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण छप नहीं पाई, कई टैक्ट हैं छोटे छोटे जो छप नहीं पाए हमारे आलस्य और प्रमाद के कारण। आर्य समाज को इतना आलस्य और प्रमाद चाट गया कि ये छपवा नहीं पाए कई पुस्तकें हैं। एक पुस्तक मैंने इनकी पढ़ी थी, धन की डाह, किसी को याद है? आर्य समाज के लोगों बताओ, धन की दाह, क्या कमाल की लिखी है कि आज प्रत्येक व्यक्ति भौतिकता में इतना गड़ गया, ये लिखते हैं, भौतिकता में इतना गड़ गया है कि उसे धन के सिवाय कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न उसे अपने रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, न सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, न कोई बड़ा और छोटा दिखाई दे रहा है, और यहां तक की बात है कि उसे चरित्र भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सामने क्या चीज दिखाई दे रही है, धन। पढ़ना, छोटा सा टैक्ट है, धन की दाह, कमाल की बुद्धि रही होगी। 26 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता है, 26 वर्ष का बच्चा क्या लिख सकता है, क्या उसकी सोच हो सकती है। यदि उनकी पुस्तकें पढ़े तो समझते हैं कि परमात्मा ने अलग से बना करके भेजा। अभी बता रहे थे मंत्री महोदय कि इनका बचपन का नाम क्या था, मूल बचपन का नाम
मूल नक्षत्र में था इसलिए मूल रख दिया। लेकिन गुरुदित्ता सिंह, फिर गुरुदत्त हुआ, लेकिन इसका एक बचपन का नाम और था वैरागी। क्या नाम था? वैरागी। क्यों कहा? क्योंकि बचपन से ही कुछ बातें ऐसी करता था जिससे माता पिता को ये लगता था कि ये वैराग्य में ना चला जाए, इसलिए माता पिता ने इसका नाम क्या रख दिया? वैरागी रख दिया। और वैरागी था भी, अपनी डायरी इसकी पढ़ना कहीं से मिले तो, डायरी में लिखता है बड़े सरल शब्दों में, मन करता है योग विद्या को प्राप्त हो जाऊं, योग विद्या सीख लूं और योगी बन जाऊं, लिखता है डायरी में। मन करता है कि योग विद्या सीख लूं और योगी बन जाऊं, ये क्या भाव है? एक छोटा बच्चा क्या ये भाव रख सकता है? आज तो छोटा बच्चा भी धन की लालसा, अरे किसी को सामान लेने भेजो बेटा दुकान से सामान लेकर कि एक रुपया मुझे भी चाहिएगा। क्यों जी? पहले मांगेगा वो, इसका मतलब उसे धन की। ये थे शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन को जैसा चाहा वैसा बना लिया और वैसा ही बनाने का दूसरों को प्रयत्न भी किया, ये वास्तविकता में शिक्षक हैं, हम जैसे लोग नहीं हैं। हम तो आज इनके पद चिन्हों पर चलने की स्थिति भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, आइए जैसा आप लोगों ने जन्मदिन मनाने की कसम खाई है बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। उन पूर्वजों को पढ़ो, आज आप लोग प्रतिज्ञा करके जाओ कि हम, देखो मैंने पहले भी कहा था, पहले भी शायद मैंने दो शब्द कहे होंगे आपके लिए, हमेशा ध्यान रखना। किसी ने पूछा मुझे धर्म की व्याख्या जाननी है, धर्म क्या है ये जानना है, तो ऋषि क्या उत्तर देता है? धर्म को जानना है तो वेद पढ़ो, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद तो धर्म का मूल है। उसने कहा मेरे पास इतना समय कहाँ है? अच्छा है आज आदमी के पास समय कि वो पढ़ ले लंबी लंबी। अब चिट्ठियां पहले क्या होती थी, लंबी लिखते थे लोग, अब क्या करने लगे कि चार पांच शब्द लिखो, ज्यादा नहीं यार कौन पढ़ेगा, है जी, ज्यादा वक्तव्य देना गलत, छोटा करो। अब वो कहता है वेदों को कौन पढ़े, 20,000 से अधिक मंत्र हैं, अरे कुछ शॉर्टकट बताओ। उसने कहा अच्छा वेद नहीं पढ़ना चाहते कि ना बहुत समय लगेगा, ये स्मृतियां पढ़ लो, स्मृतियों में धर्म की व्याख्या है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने कहा फिर वही पढ़ने वाली बात, स्मृतियां कितनी हैं? 22 तो मेरे पास रखी हैं, 22 और 100 से ऊपर हैं स्मृतियां, याद रखना। वो कहते हैं कि नहीं ये पढ़ने वाली बात नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई और शॉर्टकट रास्ता बताओ। उसने कहा फिर एक काम करो कि क्या, कि अपने महापुरुषों का, अपने पूर्वजों का जीवन परिचय पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा जिस रास्ते से वो गए हैं वही धर्म है। अच्छा उसमें रुचि भी बनती है, जब किसी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो रुचि बनेगी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, समय होता जा रहा है, मैं तो अभी भूमिका बनाने में ही लगा रहा है जी, लेकिन क्या करो, फिर कभी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखूंगा, समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। बस मैं एक निवेदन करके आपको जा रहा हूं, आप कुछ मत पढ़ो, आप कुछ नहीं पढ़ना। महर्षि दयानंद, गुरु विद्यार्थी महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, स्वामी दर्शनानंद आदि आदि जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन लोगों के जीवन परिचय को पढ़ने की आदत डालो आप लोग। मेरे पास जब मेरे शिष्य हैं, मेरे से सीख रहे हैं विवेक जी, अब गुरुकुल कांगड़ी में वो बी फार्मा कर रहे हैं, अभी क्लासें चल गई हैं ना, पहले ऑनलाइन थी अब ऑफलाइन हो गई हैं, तो वो पढ़ने चला गया। कभी कभी वो कहता है गुरु जी स्वामी जी का जीवन परिचय सुनाओ, और जब मैं सुनाने लगता हूँ तो कहीं कहीं मेरी ऐसी स्थिति हो जाती है, वाणी बंद हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, और मैं सीधे तौर पर कह देता हूँ बेटा तो, और वो हंसता है गुरु जी आप इतने मायूस हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते रोने लगते हो। अरे जब आत्मा से पढ़ोगे तब रोना आएगा, बाहर से मत पढ़ना कभी भी, ये सोच करके पढ़ना कि मैं दयानंद के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, मैं गुरुदत्त के बिल्कुल निकट हूँ, मैं महात्मा हंसराज के बिल्कुल समीप बैठ करके बात को सुन रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें ये भावना तुम्हारे अंदर पैदा हो गई तब पता लगेगा कि पढ़ना किसको कहते हैं। और यदि तुमने प्रवचन सुनने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, महापुरुषों के जीवन परिचय को पढ़ो, बहुत बदलाव आ जाएगा आप लोगों में। ये धर्म की व्याख्या बता रहा हूं, धर्म को जानना चाहते हो, अधर्म को जानना चाहते हो, तो महापुरुषों का जीवन चरित्र ही एक हमारे पास में साधन ऐसा है जो आम व्यक्ति को भी धर्म के विषय में जना देगा, आम व्यक्ति को। तो ऐसे महान पुरुषों के जीवन के लिए हम लोग समर्पित रहें, इनसे कुछ सीख लें अच्छा है। इनके पद चिन्हों पर ज्यादा हम नहीं चल सकते तो कुछ तो अनुकरण कर सकते हैं, कुछ तो चल सकते हैं हल्का फुल्का। तुम राम नहीं बन सकते, रावण तो बन ही सकते हो। आप कहेंगे गुरुजी रावण क्यों बने? सुनो रावण चरित्रहीन नहीं था,
कितना चरित्रवान था, सीता को महल में नहीं रखा, कहाँ रखा? ये चरित्रवान की तो बात थी, और फिर भी आज़ादी ये दे दी कि तू ही मुझे अपना पति स्वीकार करेगी, नहीं तो जबरदस्ती भी बोलो हो सकती थी। आज के लोग कर देंगे इतना काम? मैं कहा करता हूँ राम नहीं तुम बन सकते, रावण से चरित्र की शिक्षा ले लो। जब तुम पढ़ो तो विचार करके पढ़ो, इस व्यक्ति में कौन सा धर्म है, क्या अधर्म है, कहाँ ये व्यक्ति गिरा, कहाँ ये उठा, और अपने आप को संभालो। आर्यों देखो एक बात सुनो, सफ़ेद जो चादर होती है उस पर दाग ढूंढा जाता है। आज इस समाज के पीछे लोग लगे हुए हैं कहीं इनको दाग मिल जाए। दुनिया की कोई संस्था ऐसी नहीं जो दागल ना हो, लेकिन एक संस्था आपके पास में है, वह आज इस समाज, इसमें अभी तक कोई दाग नहीं है। इसीलिए मेरा मतलब आप लोगों से कि ये चादर बेदाग रहे, कोई दाग ना इसमें लगे, बस अपने आप को थोड़ा बदलने का प्रयत्न करो। ये महापुरुष कहा था ना किसी ने, बहुत सुंदर कहा था कि दुनिया के आंचल में जब ये सारा जग सोता होगा, चुपके चुपके राजघाट पर तब गांधी रोता होगा। मेरे भाव दूसरे हैं, ये लोग भी रोते होंगे, उस भाव को जरा समझ लेना जब हमारे आचरण को देखते होंगे। क्यों जी? मेरे भाव दूसरे हैं, सिद्धांत के विरुद्ध हैं थोड़े से, लेकिन हम इन लोगों पर आँच ना आए। ये आत्माएं वही आत्माएं रहें, पवित्र आत्माएं रहें, अपने आप को संभालो। गुरुदत्त महात्मा हंसराज जैसे शिक्षक बनने का प्रयत्न करो, जो भाई शिक्षक बैठे हैं वो अपने आचरण को सुधारें। सही रूप में शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि जो हम सीखें वो दूसरों को दें, हमारा जीवन भी दूसरों को कुछ सिखाए, यही शिक्षक का भाव होना चाहिए। ये दोनों शिक्षक हमारे मध्य में रहे, आज दुनिया में इनका नाम है। आप ये मत समझना कि यहाँ गुरुदत्त विद्यार्थी को नहीं जानते, लेकिन विदेश में बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि विज्ञान की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। आप क्या समझ रहे हो? गुरुदत्त की लिखी हुई जो वैज्ञानिक पुस्तकें हैं विज्ञान के आधार पर, वो पढ़ाई जा रही हैं, और हम ऐसे नालायक हैं यहाँ के, पूछता नहीं कोई, दूसरे लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन परिचय पढ़ो, अपने घरों में जीवन परिचय होने चाहिए महापुरुषों के। छोटे छोटे टैक्ट भी आते हैं, वो आप लोग खरीदें लें, समय हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा सारा समय तो दूसरे लोग पी गए, मुझे चाहिए कम से कम थोड़ा और ज़्यादा समय, तब मैं अपनी भूमिका बना करके बोलने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इससे पहले और ज़्यादा, लेकिन उनका भी आना ज़रूरी था, बोलना ज़रूरी था, उनका भी धन्यवाद। और मैं तो अचानक आप लोगों के बीच में आ गया, मेरा सौभाग्य, पता नहीं मेरा इस समाज से क्या संबंध जुड़ा हुआ है। बैठे सत्येंद्र जी उंगली कर रहे हैं, भाई ये उंगली वाला मामला गड़बड़ है, हैं? वो कह रहे थे देख लेंगे हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो दूसरों को आना था जी, लेकिन नहीं, मुझे भी आना पड़ गया, आप लोगों के दर्शन हो गए। कोरोना काल के बाद लंबा समय बीता है, परमात्मा कृपा करे हम सब पर, हमारा स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, हम अपने सिद्धांतों से जुड़े रहें, हम आर्य बने रहें, दूसरों को बनाने का प्रयत्न करें, अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें। आप सब ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शब्द।